Rebel Bharatiya Janata Party, BJP, leader Shatrughan Sinha visited Rashtriya Janata Dal, RJD, Supremo Lalu Prasad Yadav a few hours after the RJD Supremo was sentenced to 7 years in jail, in the Dumka Treasury Case, one of the four cases in the Fodder Scam. बहुत मजबूत हैं, बहुत ही तंदुरुस्त हैं इस मामले में, और उनका हमने कहा मोराल बहुत अच्छा है, उनका इस मामले में कोई घबराहट और अपराध नहीं है, उन्हें पूरा विश्वास है भारत की जनता पे, बिहार के लोगों पे, और सबसे बड़ी बात ऊपर की अदालत। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को जो सजा हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा जो सजा सुनाया गया जिस पॉइंट पर उस पर कहा गया है कि दो धाराओं में सजा सुनाई गई, एक आईपीसी की धाराओं में और पीसी एक्ट की धाराओं में। तो आईपीसी की धाराओं में जो सजा सुनाई गई है वो 7 साल का और पीसी एक्ट की धाराओं में सुनाई गई है वो 7 साल का। और फाइन जो है कि आईपीसी की धाराओं में भी 30 लाख किया गया और पीसी एक्ट की धाराओं में भी 30 लाख किया गया। और जितनी भी सजाएं है वो माननीय न्यायालय के द्वारा गया कि कंसेक्यूटिवली चलेगी। ये धारा एक खत्म होगा, अगर आईपीसी की धारा सजा खत्म होगी 7 साल का तो पीसी एक्ट की धाराओं में 7 साल का शुरू होगा। और फाइन अमाउंट भी है कि दो अलग अलग होगा, वही कंसेक्यूटिवली होगा, इसलिए वो 60 लाख का फाइन हो गया और जो सजा है वो 14 साल का हो जाएगा। और नहीं देने के एवज में जो कि 1 साल का अतिरिक्त फिर उसको फाइन अमाउंट।